रहती है, हमारे पूरा डिपार्टमेंट है कस्टमर सपोर्ट वाला, तो उनकी जिम्मेदारी यही होती है कि एक एक यूजर को फोन लगाओ, उससे बात करो। तो हम लोगों ने जो डाटा इकट्ठा किया, हम लोगों ने जो बातचीत के आधार पर नतीजा निकाला है वो ये कि ड्रीम इलेवन से तो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। उनका यह कहना है कि यार यहाँ पर आप कोई सा भी गेम खेल लो आप ज्यादा जीत ही नहीं पाते हो, पता नहीं कैसे एल्गोरिदम इन लोगों के काम करती है। इनका एल्गोरिदम लोग नए प्लेटफॉर्म पे, अभी इसमें जो एल्गोरिदम दिया हुआ है जैसे 1.5 करोड़ का विनिंग है, अभी 32 करोड़ की विनिंग चल रही है जिसमें की फर्स्ट प्राइज 1.5 करोड़ है, दूसरा प्राइज 30 लाख पे खत्म हो जा रहा है यार। सेकंड प्राइस भी तो कम से कम आप अगर पहले को 1.5 करोड़ दे रहे हो तो दूसरे को कम से कम 70-80 लाख दो, तीसरे को 25-30 लाख दो। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने आजकल अपना एल्गोरिदम ऐसा बना दिया कि लोग अब कतरा रहे हैं। अब जो लोग जीतना चाहते हैं ना कि भाई रोज का मेरे को 500,000 रुपए भी मिल जाए, तो उसके लिए लोग देख रहे हैं दूसरा प्लेटफॉर्म। अभी तो माय इलेवन सर्कल की चल निकली है, एमपीएल की चल निकली है। मैं रात में ड्रीम इलेवन पे मेरा टीम लगा हुआ था, काफी बढ़िया जा रहा था। सेकंड पारी का 17वां ओवर में मेरा रैंक 600 था, एक बॉलर को नहीं रखा था उसकी वजह से मैं चला गया 45,000 पे। बिल्कुल हुआ होगा यार, 87 लाख से, मतलब 87 लाख वाले में 600 पे था, उतने लोगों को मैं मान दे रहा था और एक बॉलर की वजह से चला गया फिर 45,000 पे। बिल्कुल हुआ होगा, मतलब मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि ड्रीम इलेवन यार भीड़ इतनी क्या, आप सोचो ना कि कितना आप दिमाग लगाओगे, कितने लोगों से लड़ोगे। लगता होता ही है ना यार, गेम में लगता काम करता ही है। कुछ यूजर जब हम वीडियो को छोड़ते हैं तो कुछ जो हमारे व्यूवर्स है उनका कहना होता है कि सर ड्रीम इलेवन से इतने इतने लोग जीतते हैं, कुछ लोगों का कमेंट आता है कि यार ये मतलब फेक है, ये ड्रीम इलेवन का प्रमोशन कर रहा है। लेकिन रियलिटी में आपसे बताऊं तो मैंने किसी का प्रमोशन नहीं किया है, जितना भी मेरा इंटरव्यू डाला हुआ है वो प्रॉपर वे में डाला हुआ है जो इन्होंने बीन किया है। और हमारे पास कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आती है वो सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे ही एप्लीकेशन पे है, जिनके विनर का मैंने डाला है उसका और लोगों ने भी डाला हुआ है, न्यूज पे भी चला हुआ है काफी बेटर वे में। तो बिहार से सारे लोग बिलोंग करते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि यार ये सब चीज फेक है, किसी को पैसा नहीं मिलता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि ये उनका प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ लोगों का बहुत सारा कुछ कहना होता है, कुछ लोगों का कहना होता है कि ड्रीम इलेवन अपनी भी टीम रखती है, ऐसा होता है क्या? नहीं, हाँ अपनी टीम, उनके एल्गोरिदम काम करता है। एल्गोरिदम का मतलब ही यही कि बाय डिफॉल्ट टीम्स क्रिएट हो जाती हैं, आगे आ जाती हैं, ऊपर आती हैं, नाम आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन हाँ ये कि 100% ऐसा नहीं होता, आप मान सकते हो कि मतलब कुछ परसेंट थोड़ा सा वो लोग गड़बड़ करते हैं। अच्छा अच्छा, तो समथिंग 87 लाख का जो होता होगा तो एल्गोरिदम के अनुसार से उसमें ड्रीम इलेवन की अपनी कितनी टीम होती होगी? देखो इतना मैं इस बारे में ज्यादा मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अनुमान के मुताबिक आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो किसी कॉन्टेस्ट में 2 लाख लोग खेल रहे हैं, जीएल में खेल रहे हैं 2 लाख लोग खेल रहे हैं, 2 लाख में से आप मान के चलो 1-2% इन लोगों का एल्गोरिदम काम करता है। अच्छा अच्छा, और ये जो प्लेयर सिलेक्शन होता है जब हम टीम लगाते हैं लाइनअप पे, तो कुछ ऐसे प्लेयर्स है जिसका सिलेक्शन 0.1% या 0.10% ऐसे होता है, लेकिन जब प्लेइंग होना शुरू होता है क्रिकेटर, जैसे जैसे उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है उसके बाद उसका जो सिलेक्शन है 8%, 10%, 15% तक चला जाता है, ऐसा कैसे होता है? टीम तो मैच स्टार्ट होने से पहले 1% का सिलेक्शन है, लेकिन मैच स्टार्ट होने के बाद 8-9% सिलेक्शन कैसे दिखने लगता है? वो इसलिए होता है, देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो आप सॉफ्टवेयर बनवाते हो ना, तो ये सारे प्रावधान आप अपनी सोची समझी योजनाओं के तहत पहले से ही करके रखते हो कि किसी एक प्लेयर ने इतने पॉइंट्स अगर क्रॉस कर लिए तो उसका सिलेक्शन परसेंटेज हम चेंज करते जाएंगे, वो बाय डिफॉल्ट चेंज होता रहता है और उसका कैलकुलेशन भी वैसा ही चेंज होता रहता है। तो आप कभी भी ये सवाल नहीं उठा सकते कि यार ये जो आपने कैलकुलेशन बताया ये गलत है, ये उसका कैलकुलेशन हमेशा सही आएगा। लेकिन उसके नियम कायदे कानून ऐसे बने हुए हैं कि वो पहले से आपके सामने भी परोस हुए लेकिन आपको समझ में नहीं आते, मतलब ये ड्रीम इलेवन ना बहुत आगे की चीज हो गई यार, बहुत आगे की चीज हो गई, समझना इतना आसान नहीं है। यूजर के साथ फ्रॉड होता है 100% नहीं होता है, और ये जो विनिंग है मतलब यूं कहा जाए तो ड्रीम इलेवन पैसे तो देती है, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत सारे इंटरव्यू किया, और मेरा खुद का जो अपना यूजर है ना प्रकाश पटेल जी, ये भी ड्रीम इलेवन से ही जीते और इनको मिला है पैसा।